हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, जिसे बनाने के लिए देखिए मैंने इसमें 6 कलर की वूल ली हुई है और यहाँ पे मैंने 58 फंदे डाले हैं, 58 फंदे। और ये मैं बड़ा बना रही हूँ, इसमें मैं पीकॉक की डिजाइन डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने 58 फंदे ले लिए हैं। आप देखिए यहाँ से पहले मैं डिजाइन डालूंगी, तो देखिए ये वाला कलर लगा लूंगी। ये देखिए एक फंदा मैं इससे बुनूंगी ब्लू से, और इधर से मैं सीधी रो बुन रही हूँ। यहाँ पे मैं चोटी वाली डिजाइन डालूंगी, तो मैं यहाँ से ऐसे एक फंदा ब्लू और एक वाइट बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। ऐसे इस तरह से मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने बना ली है। आप देखिए इधर से बाइट है, उसको हम बाइट बुनेंगे ऐसे, और बाइट को इधर करेंगे, फिंगर से दबाएंगे तो ब्लू बुनेंगे। अब ब्लू को इधर कर लेंगे, बाइट बुन लेंगे ऐसे। इस तरीके से ये रो भी पूरी कर लेते हैं। ये देखिए इधर से मैंने ही बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ से हम पूरी रो बाइट कलर से बुनेंगे, इधर से भी उल्टी, सभी फंदे व्हाइट से बना देंगे, इधर से उल्टी और उधर से भी उल्टी, दो रो बना ली। ये देखिए यहाँ पे मैंने दो रो बना ली हैं। अब देखिए मैं पीकॉक बनाऊंगी इसमें। तो यहाँ से पहले मैं एक फंदा उतार लिया मैंने, और एक ये बुन लूंगी व्हाइट से। ये देखिए दो फंदे बुन लिए। अब मैं यहाँ से ये ग्रीन कलर लगाऊंगी। ये देखिए एक दो तीन चार पांच, और देखिए इस धागे को व्हाइट वाले को हम ऐसे इधर ले जाएंगे, 6। ये देखिए 7 फंदे मैंने यहाँ पे ग्रीन बना लिए इस रो में। और देखिए अब मैं ये येलो कलर लगाऊंगी। तो देखिए यहां से 1 2 3 3 फंदे मैंने येलो बने, और आगे से देखिए 1 2 2 फंदे आगे से मैंने व्हाइट बुने, और यहाँ से इसको ऐसे घुमाते हुए पलट लेंगे, और यहाँ पे जो जैसा है उसको हम वैसे ही बनाते हुए इसको पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो बना ली है मैंने। अब यहाँ पे एक फंदा उतारेंगे और इस तरीके से बुनेंगे, एक फंदा एक ग्रीन वाला व्हाइट बना लेंगे यहाँ से। और देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे ग्रीन बुने। उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पे रेड कलर लगा लूंगी। जो तीसरा फंदा है इसका 3 फंदे बुने थे, जो फर्स्ट वाला फंदा है उसको हम रेड बना लेंगे, 2 फंदे लास्ट में येलो ही बनाएंगे। और देखिए यहाँ से 1 2 ये बाइट, और 2 आगे से लेते हुए इसको हम इधर से पूरी रो कंप्लीट करेंगे, जो जैसा है उसको वैसे ही। सीधी रो हम नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से 1 उतार लिया, 2 3, और देखिए इसको हम इधर कर लेंगे यहाँ से 1 2, और ये 3 3 फंदे मैंने ये ग्रीन बुन लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फंदा रेड और एक देखिए ग्रीन, और यहाँ पे एक फंदा ये ब्लू इस तरह से यहाँ पे ये वाला, और ये जो रेड था उसको हम ग्रीन बुन लेंगे, और यहाँ पे रेड ये येलो वाला, और एक येलो इधर रह जाएगा ऐसे, और आगे से हम वाइट 1 2 3 4, और देखिए 5 6, 2 फंदे आगे से लेके यहाँ पे जो जैसा है उसे बनाते कंप्लीट। आप देखिए यहाँ से एक फंदा उतार लेंगे, उसके बाद देखिए एक ये यहाँ पे 3 फंदे बुन लिए, इस धागे को इधर किया, यहाँ से ग्रीन 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे ये सभी फंदे हम ग्रीन से बना देंगे ऐसे, 4, और देखिए देखिए यहाँ तक ऐसे, और एक फंदा ये आगे से ग्रीन बना दिया। उसके बाद देखिए
दो फंदे हम येलो आगे से बनाएंगे, देखिए ऐसे, और यहाँ से हम वाइट कलर लगाते हुए एक दो, दो ये बना लिए और दो आगे से ले लेंगे ऐसे। यहाँ पे जो जैसा है उसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे एक उतारा, उसके बाद देखिए मैंने ये दो तीन चार, चार वाइट बुने। अब यहाँ पे एक ग्रीन बुनेंगे और आप देखिए दो ब्लू। आप देखिए यहाँ पे दो ब्लू के बाद दो ग्रीन बनाएंगे ऐसे, और देखिए यहाँ पे दो रेड इस रो में, उसके बाद देखिए ये एक मैंने ग्रीन बनाया और यहाँ पे दो ब्लू और ये एक येलो वाला रेड हो जाएगा ऐसे, एक लास्ट में येलो रह जाएगा ये। और आगे से हम जैसे बुन रहे हैं अभी वैसे ही बुनेंगे। इस धागे को आपको लूज रखना है और देखिए जो ये इधर का धागा है थोड़ा सा इसको आगे तक लाना है ताकि पीकॉक खिंची खिंची ना रहे। ये देखिए आगे से हम दो फंदे ले लेंगे और यहीं से पलट लेंगे, जो जैसा है कंप्लीट करें। अब देखिए यहां से एक फंदा उतार लिया मैंने, उसके बाद देखिए एक दो ये तीन और एक उतारा, चार हो गए। इस वाले धागे को हम थोड़ा सा पहले इधर को लाएंगे इस तरीके से, उसके बाद हम इस फंदे को बुनेंगे ऐसे। आप देखिए यहां से ये देखिए ऐसे सभी फंदे इस रो में ग्रीन से बना देंगे, लास्ट का एक फंदा येलो बनेंगे। ये देखिए इस धागे को आपको ऐसे ही रखना है लूज सा पीछे से, ये देखिए लास्ट तक यहाँ तक बना देंगे, सिर्फ एक फंदा ये येलो का रह जाएगा ऐसे। आप देखिए यहां से व्हाइट कलर लगा लेंगे और इस धागे को थोड़ा सा आगे तक लाएंगे, उसके बाद दो फंदे लेते हुए ये रो कंप्लीट कर दें। आप देखिए यहां से एक फंदा उतारा, उसके बाद देखिए दो तीन, और देखिए इस धागे को थोड़ा सा आगे तक कर देंगे ऐसे, इसको बना लिया। अब यहां से एक फंदा ये ग्रीन वाला वाइट कर दिया और यहां से इस रो में देखिए इसको हम ऐसे ही बुनेंगे, इस धागे को ऐसे रखते हुए आगे तक ले जाएंगे। ये देखिए येलो तक बुन लिया, उसके बाद एक फंदा येलो और एक आगे से येलो कर देंगे, दो हो गए। अब यहां से वाइट बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहां से एक फंदा उतारा, दो तीन चार पांच, और देखिए यहां से एक दो, ये दो बाइट बुन लिए, उसके बाद देखिए एक यहाँ पे ये दो ब्लू और फिर एक दो, दो बना लिए ग्रीन और दो रेड यहाँ पे ऐसे। आप देखिए इस तरीके से, और एक यहाँ पे ग्रीन, उसके बाद एक ब्लू और एक येलो वाला ये ग्रीन। अब यहां से एक येलो और इस रो में ऐसे ही बुनना है आगे, दो फंदे लेके और आगे की रो कंप्लीट करनी है। अब देखिए यहां से एक फंदा उतारा, उसके बाद देखिए ये तीन चार पांच, पांच फंदे मैंने ऐसे ही बुने, इसको इधर किया और यहां से ग्रीन। अब इस रो में सभी फंदे ग्रीन बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, ये देखिए, और इस धागे को साथ में वाइट वाले को ले जाना है आगे तक। टोटल सभी फंदे जो भी हमारे पास डिजाइन के हैं वो यहाँ तक येलो तक, येलो वाला फंदा भी इस रो में ग्रीन बना लिया मैंने, और आगे से
जैसे बना रही हूँ दो फंदे आगे से लेते हुए कंप्लीट करेंगे सीधी रो। ये देखिए अब मैं इधर फिर से उल्टी तरफ हूँ, तो यहाँ से दो तीन चार पांच, ये पांच फंदे ये बुन लिए और एक बाइट फिर से कर लिया ग्रीन वाला। उसके बाद देखिए यहाँ से एक दो, दो के बाद एक ब्लू, आप देखिए यहाँ से एक दो तीन चार, चार के बाद एक रेड, फिर यहाँ से एक दो ग्रीन और एक येलो, ये वाला ये देखिए। आप देखिए यहाँ से ये वाला धागा लाएंगे और देखिए एक दो, ये दो फंदे मैंने वाइट बुने। उसके बाद देखिए अब यहाँ से पैर इसके स्टार्ट करेंगे, तो एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे मैंने ये लोग बुन लिए। उसके बाद ये वाइट कलर लगा लेंगे, जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे इसको, आगे से कंप्लीट करते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से एक फंदा उतारूंगी, उसके बाद देखिए दो तीन चार पांच छः, छः फंदे बुने। अब यहाँ से ग्रीन वाला, दो तीन चार पांच छः सात, ये देखिए इस रो में ये फंदे मैंने सभी फिर से ग्रीन कर लिए और ये येलो वाले फंदे तक, और येलो वाला फंदा जो है उसको हम रेड बुन देंगे इस रो में ऐसे। आप देखिए जो यहाँ पे बाइट दो फंदे हैं, एक दो, अब देखिए जो पैर में से पैर के लिए पांच फंदे मैंने लिए हैं उसमें से एक हम इधर का बाइट बनाएंगे, सेंटर का जो फंदा है उसको हम ये देखिए येलो बनाएंगे और फिर से आगे का फंदा वाइट बनाएंगे, एक और एक फिर से येलो और एक आगे से वाइट। तो देखिए ये दो फंदे रह गए हमारे पास, सेंटर में एक वाइट है दो येलो है, आगे से दो फंदे लेते हुए रो कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से ये वाले फंदे जैसे बना रहे हैं वाइट वाले उल्टी तरफ से वैसे ही बनाएंगे, इसको थोड़ा सा आगे तक ला देंगे। अब यहाँ से एक दो तीन चार, ये देखिए चार बनाने के बाद ये वाला ब्लू, उसके बाद एक दो और तीन और चार, ये बनाने के बाद ये वाला रेड ऐसे, और रेड वाला येलो जो हम येलो बनाते आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे वाइट कलर लगाएंगे और दो तीन, तीन फंदे वाइट, येलो वाला येलो, फिर बीच में जो है उसको वाइट, आगे येलो, और यहाँ से जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते हुए सीधी रो कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से एक फंदा उतार लिया मैंने, दो तीन चार पांच, इस धागे को इधर कर देंगे, छः, एक फंदा वाइट, और यहाँ से अब एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, नौ फंदे ग्रीन, उसके बाद एक येलो, अब यहाँ पे वाइट, एक दो तीन, तीन बना लिए। उसके बाद जो पैर वाले फंदे हैं वो वैसे ही एक येलो एक वाइट एक येलो, और आगे से दो फंदे लेके ये रो कंप्लीट कर दें। अब देखिए यहाँ पे इन फंदों को जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, तीन चार पांच छ सात, अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे देख, अब देखिए यहाँ पे दो ब्लू और यहाँ पे एक दो, ये दो येलो एक ग्रीन आएगा बीच में इसमें ऐसे, एक ग्रीन और
ये वाले दो येलो आ जाएंगे ऐसे। और देखिए यहाँ पे एक दो, दो बाइट। अब देखिए जो पैर के पास वाला है ये और ये और ये, ये मैं सब ब्लू बनाऊंगी। देखिए एक, एक देखिए ये सेंटर वाला जो पैर का था, तीन और एक चार, ये चार फंदे मैंने ब्लू बना लिए। अब यहाँ से जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए दो फंदे आगे से लेके सीधी रो कम। अब देखिए यहाँ से एक फंदा उतार लिया, उसके बाद ये फंदे ऐसे ही बुनेंगे यहाँ तक। इस धागे को थोड़ा सा ऐसे करके रख देंगे, इधर बना देंगे। इसके बाद देखिए एक ग्रीन और इसके बाद एक ब्लू। अब यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, ये पांच मैंने ग्रीन बुन लिए, ये ग्रीन बना लिया, एक और छह हो गए। तो यहाँ पे आप देखिए एक इसमें से रेड बना लेंगे येलो वाला, ये देखिए, और एक इधर का येलो से ही बुनेंगे। आप देखिए एक वाइट इसके पास वाला ब्लू हो जाएगा, ये देखिए ऐसे। और इधर मैं आगे से कोई फंदा अभी नहीं बढ़ाऊंगी, इस रो में ऐसे ही बनाऊंगी इतने ही, और आगे जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते हुए इसको रो कंप्लीट करेंगे सीधी। अब देखिए एक फंदा फिर से उतार लिया, उसके बाद एक दो तीन चार पांच छः, छह फंदे बुने। एक ये वाला फिर से हम वाइट कर लेंगे ग्रीन वाला। और देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पांच छ सात, और देखिए इसको भी आठ और नौ, नौ फंदे ये मैंने बना लिए पूरे, जितने यहाँ पे थे सभी मैंने ग्रीन कलर से बना लिए। अब देखिए ये वाइट फंदा है जिसको हम ब्लू बनाएंगे, और एक फंदा अब आगे से बढ़ाएंगे। ये देखिए एक ये वाला इधर से बढ़ा लिया, तो देखिए दो चार छह सात हो गए हमारे पास इस रो में। और आगे से हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन अभी तक मैं दो दो फंदे ले रही थी, अब मैं एक एक फंदा लूंगी, आगे से एक फंदा ले लूंगी और रो कंप्लीट करूं। अब देखिए यहां से एक फंदा उतारेंगे, दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ फंदे ये बने, दो ये ग्रीन वाले बाइट कर दिए। आप देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे ये रह गए मेरे पास ग्रीन, और दो फंदे इधर से ब्लू कर लेंगे ऐसे इस तरीके से, और एक फंदा आगे से ले लेंगे। आप देखिए यहां पे मुझे ग्रीन पॉइंट डालना है इसमें, तो एक फंदा मैंने ये ग्रीन बुन लिया, उसके बाद एक आगे से ले लिया। अब यहाँ से जो जैसा है उसे कंप्लीट कर। अब देखिए यहाँ से एक फंदा उतार लिया मैंने, उसके बाद देखिए दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, दस फंदे ये, और एक फंदा और इधर से कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से ब्लू कलर लगा लेंगे, ये एक दो तीन चार, चार फंदे ये और आगे से ये वाले फंदे, इसको वाइट को आगे ले जाएंगे ऐसे इस तरीके से। अब देखिए इसको भी ब्लू बुन देंगे जो ग्रीन वाला है, और ये देखिए यहां से मैंने एक दो और ये तीन, तीन टाइम एक एक फंदा ले लिया है आगे से, और उसके बाद जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते हुए आगे से फंदा लेके कंप्लीट करेंगे। आप देखिए यहां से एक फंदा उतारूंगी, उसके बाद दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ
10, ये 10 फंदे मैंने बना लिए इस कलर से, व्हाइट कलर से। अब मैं ये गाजरी कलर लगाऊंगी, तो व्हाइट वाला एक फंदा और देखिए दो, ब्लू वाला और देखिए एक और, तीन, ये चार, चार फंदे मैंने इससे बना लिए। उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पांच, ये पांच फंदे येलो से बनाए। और देखिए यहाँ एक दो तीन चार पांच छः सात, दो आगे से ले लेंगे व्हाइट वाले ब्लू। इस रो में दो फंदे मैंने ब्लू किए हैं और यहाँ से व्हाइट कलर लगाते हुए ये रो पूरी कंप्लीट करेंगे जो जैसा है। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं उल्टी रो पे आ गई, तो यहाँ तक मैंने बुन लिए। अब एक फंदा जो पिंक कलर का है, गाजरी कलर का, वो मैं व्हाइट बनाऊंगी। और यहाँ पे ये तीन फंदे, एक दो तीन, तीन ये, और देखिए ये येलो वाले चार पांच छ सात आठ, इस रो में आठ फंदे मैंने ये गाजरी कलर से बुन लिए और दो आगे से येलो बनाएंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ पे सात ही फंदे बुनने हैं ऐसे, ये वाला, ये देखिए एक मैंने ये वाला यहाँ से, एक ये येलो और दो आगे से, तो ये तीन यहाँ पे येलो रह जाएंगे। ये देखिए उसके बाद हम ब्लू कलर से बनाएंगे। दो आगे से ले लेंगे और जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहां से ये वाले फंदे तो जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। अब एक फंदा ये पिंक वाला व्हाइट से बना लेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए एक दो तीन, तीन फंदे मैंने ये इससे पिंक कलर से बना लिए और एक फंदा यहाँ पे ग्रीन बनाया। इसके बाद देखिए एक दो ये और दो इसमें से येलो वाले में से ऐसे। आप देखिए यहां से एक ये और दो आगे से येलो बनेंगे। उसके बाद ब्लू, एक दो तीन चार पांच छः सात, एक फंदा आगे से आठ, इस रो में एक फंदा ले रहे हैं। और यहां से देखिए व्हाइट कलर लगाते हुए आगे से एक फंदा लेते हुए और रो पूरी कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए यहां तक मैंने उल्टे तरफ से इसको बुन लिया है, इस धागे को ऐसे कर देंगे लास्ट तक, यहां तक बुन लिया। आप देखिए यहां से एक दो, इसमें कोई फंदा नहीं किया मैंने, ये देखिए तीन, और ये ग्रीन वाला पिंक से बना लिया तो चार हो गए। अब यहाँ पे इसके आगे एक दो, दो फंदे ग्रीन बना दिए मैंने। उसके बाद देखिए एक दो तीन, ये वाला येलो, और देखिए एक ये दो वाले येलो वाले दो कर लिए मैंने, एक येलो का रह गया इस तरीके से, और एक आगे से ले लेंगे। ये देखिए एक आगे से ले लिया तो दो येलो फिर से हो गए। अब यहां से ब्लू, एक दो तीन चार पांच छः सात, एक आगे से आठ, और यहां से रो कंप्लीट करेंगे। एक फंदा हम आगे से लेते हुए यहां से कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए फिर से उल्टी रो पे हूं, तो मैं इस रो में एक फंदा पिंक वाला व्हाइट से कर दूंगी। उसके बाद देखिए एक दो तीन, और ग्रीन वाले इसी से, तो ये तीन दो पांच, और एक इधर से छः, और ये वाला एक फंदा ग्रीन, और यहाँ पे एक दो तीन, ये येलो वाला भी बना दिया, और एक फंदा ये ऐसे ही बुनेंगे अब, और यहाँ से ब्लू कलर लगा लेंगे। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, अब देखिए आठ फंदे ऐसे ही बुनेंगे, आगे से कोई फंदा नहीं बढ़ाना,
सिर्फ बाइट में जब हम आगे जाएंगे तो एक फंदा लेके और ये रो कम्प्लीट कर देते। अब देखिए यहाँ से उल्टी तरफ से ये फंदे बना लिए मैंने, एक फंदा फिर से ये वाला बाइट कर लिया। उसके बाद देखिए एक दो तीन, ये वाला ग्रीन यहाँ पे, और देखिए एक, अब ये वाला कर देंगे पिंक ग्रीन वाला, और उसके बाद ये वाले यहाँ तक सभी फंदे इसी कलर से, एक फंदा येलो, अब यहाँ पे ब्लू, दो तीन चार पांच, इस धागे को ऐसे छह सात आठ, ये आठ फंदे बना लिए। उसके बाद यहाँ से एक फंदा लेते हुए ये रो पूरी कंप्लीट कर। अब देखिए उल्टी तरफ से ये फंदे बना लिए मैंने, एक फंदा फिर से बाइट कर लिया पिंक वाला, और देखिए एक दो, अब इसको ग्रीन कर लेंगे, और देखिए इसके पास वाला फंदा जो है उसको ग्रीन बनाएंगे, ये ग्रीन वाला पिंक कर लिया मैंने। उसके बाद देखिए एक दो तीन चार, चार फंदे पिंक बनाए और एक येलो। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लू कलर के फंदे हैं तो हम ब्लू से बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये आठ फंदे बना लिए। इधर से कोई फंदा नहीं अब बढ़ाना है अभी ब्लू का, एक फंदा आगे से लेते हुए इसको कंप्लीट कर दें। अब देखिए यहाँ तक बना लिए मैंने, एक फंदा फिर से ये बाइट कर दिया पिंक वाला, और देखिए एक दो ये तीन, तीन फंदे यहाँ पे मैंने फिर से बुन लिए पिंक से, और एक फंदा यहाँ पे ये ग्रीन फिर से, और अब देखिए यहाँ से एक दो तीन और ये चार, चार फंदे येलो, और इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे बना लिए। उस आप देखिए हमने सब फंदे यहाँ तक ले लिए अभी तक। अब एक एक फंदा मैं छोड़ना स्टार्ट करूँगी इधर से, तो यहाँ पे होल बड़ा नहीं होगा, यानी डोरमेट काफ़ी बड़ा बनेगा इसका, तो आप इसका थालपोस भी बना सकते हैं या फिर पूजा आसन भी बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें। तो देखिए यहाँ से एक एक फंदा छोड़ना स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ से वाइट कलर लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ तक मैंने ये फंदे बुन लिए उल्टे तरफ से, आप देखिए इस रो में एक और दो, दो फंदे पिंक कर दिए मैंने पिंक वाले वाइट, उसके बाद देखिए एक दो और ये ग्रीन ग्रीन वाला भी कर दिया मैंने, और एक यहाँ से ये वाला, उसके बाद ये तीन फंदे येलो रह जाएंगे इसमें, और यहाँ से जैसे ही बना रहे हैं अभी वैसे ही बनाएंगे, इधर अभी कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ब्लू जो है उनको हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे, और देखिए आगे से एक फंदा छोड़ते हुए बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से एक फंदा फिर से ये बाइट कर लिया, और देखिए दो फंदे ये और दो इसमें से, ये देखिए ये वाले येलो वाले पिंक कर दिए, और जो ये वाला फंदा है इसको हम ब्लू बना देंगे, ये देखिए ऐसे, और दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये देखिए आठ फंदे बनाए, ये वाला फंदा एक अब बाइट कर लेंगे इधर का। अब इधर से भी इस तरह से फंदे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आगे से एक फंदा छोड़ते हुए इस रो को कंप्लीट करें। आप देखिए यहाँ से ये वाले फंदे भी पिंक वाले बाइट कर लेंगे उल्टे तरफ से, आप देखिए ये बना लिए। उसके बाद यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये देखिए इस रो में सात फंदे बुनेंगे, एक फंदा इधर का ब्लू वाला वाइट बना लेंगे, उसके बाद एक फंदा छोड़ के पूरी रो कंप्लीट करेंगे। आप देखिए यहाँ तक बना लिया, आप देखिए एक फंदा ब्लू वाला वाइट कर लेंगे इधर से, और देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए पांच फंदे ये ब्लू के रह गए, अब एक फंदा इधर से भी वाइट बना लें आगे से। आप देखिए
इस साइड से हम कोई फंदा नहीं अभी करेंगे, इधर से फंदा करते हुए देखिए आगे के साइड से एक एक फंदा करते हुए लास्ट दो फंदों तक मैं अभी बनाऊंगी। तीन फंदे हैं हमारे पास, ये तीन फंदे और मैं इधर के बाइट कर लूंगी, दो रह जाएंगे, फिर मैं दिखाऊंगी आपको। इधर से कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो फंदे तक इसको बना लिया, देखिए इस तरह से मैंने इधर से फंदे घटाए हैं, ये वाला फंदा वहीं का वहीं है। आप देखिए यहाँ से देखिए रो इधर की उल्टी बना ली मैंने, एक फंदा ये वाला ब्लू कर लेंगे इस साइड का देखिए, और एक ये वाला ले लेंगे और ये वाला फंदा वाइट बना देंगे ऐसे, और धागे को थोड़ा सा आगे तक कर देंगे ताकि ये खिंचा खिंचा ना रहे। और आगे से कली हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे रो। आप देखिए यहाँ से एक फंदा इधर से और एक ये और एक ये, एक आगे से ये देखिए इस तरह से, और जैसे बना रहे हैं वैसे ही कंप्लीट कर देंगे इसको ये रो भी। अब देखिए ये रो कंप्लीट कर ली मैंने, और यहाँ से देखिए एक दो तीन चार, ये चार फंदे ब्लू बने, उसके बाद हम इसकी चोंच बनाएंगे, तो यहाँ पे तीन फंदे रेड। ये बनाने के बाद जो जैसे हम बना रहे हैं अभी वैसे ही बनाएंगे, एक फंदा को इधर से छोड़ते हुए ये रो भी कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए इधर से रो बनाने के बाद यहाँ तक मैंने उल्टे फंदे बुन लिए। आप देखिए यहाँ पे एक दो, ये दो फंदे ब्लू बुने और एक फंदा आँख के लिए वाइट बनाएंगे, फिर एक ब्लू और देखिए यहाँ पे एक रेड ऐसे, और ये दो फंदे रेड वाले वाइट चौंच वाले जो फंदे हैं तीन थे, अब देखिए इस रो में एक फंदा रेड रह गया, आंख बन गई और दो फंदे इधर ब्लू, एक बीच में, और आगे जैसे बना रहे हैं ये रो कंप्लीट कर। ये देखिए यहाँ तक बना लिया मैंने, अब ये वाला फंदा एक वाइट बना लेंगे, और देखिए यहाँ पे एक फंदा ये और एक आंख वाला और एक ये, तीन फंदे ब्लू रह गए लास्ट में हमारे पास, और ये रेड वाला वाइट। अब यहाँ से जैसे बना रहे हैं वैसे ही बना के ये रो कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ तक ये तीन फंदे थे उसमें से हम एक वाइट बना लेंगे ऐसे, और देखिए जो एक है उसको हम रेड बनाएंगे। अब इसकी यहाँ पे कलगी बनाएंगे, तो यहाँ से एक इधर का वाइट ऐसे, और ये रो कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए इस रो में ये वाला रेड बना लेंगे और रेड वाला वाइट, ये देखिए और एक इधर का रेड ऐसे, ये देखिए ऐसे। उसके बाद हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे इस रो को, और इधर की रो कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए अब मैं यहाँ से सभी फंदे लास्ट तक, अभी देखिए मैंने यहाँ तक एक एक फंदा छोड़ा है, और उसके बाद अब मैं सभी फंदे बना लूंगी यहाँ तक, उसके बाद एक रो इधर से दो रो बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक कली बना के कम्प्लीट कर ली, और एक पीकॉक ये कम्प्लीट पूरी हो गई है देखिए लास्ट यहाँ पे। अब देखिए मैंने सभी फंदे यहाँ तक बुन लिए, अब यहाँ से मैं इस तरह की चोटी वाली डिजाइन डालूंगी, उसके बाद मैं अगली कली फर्स्ट रो को रिपीट करते हुए पूरा इसको बनाऊंगी, और देखिए लास्ट में इसमें एक ज्वाइंट आएगा, इतना सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का इतना सिर्फ ये कम्प्लीट हो जाएगा।